हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, सारे प्यार भाई सत श्री अकाल। मैं सोनू राव तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल के वी क्लास सरदुलगढ़ दे विच। ते अज जिहड़ा आपां डिस्कशन कर जा रहे हैं मास्टर केडर दा जिहड़ा पेपर होया जी, अज जिहड़ा पेपर होया मास्टर केडर दा, उहदी आंसर की दे बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। ते जिहड़ा आंसर की पहला मैं इस वीडियो दे विच डिस्कस करूँगा पार्ट वन दे विच, वो आंसर की डिस्कस कर जा रहे हैं दी हिस्टरी की, कल हिस्टरी के जो 75 क्वेश्चन ने उन्होंने डिस्कशन करा। दूजी वीडियो दे विच आपां डिस्कशन करा पॉलिटी की। तो सब तो पहला मैं हिस्टरी के जोड़े क्वेश्चन ने वो फटाफट तुहानू मैं लगवा दिना, ज़्यादा डीप दे विच मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। तो जिहड़ा पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की कबर खालिस्तान में स्थित है, तो शेर शाह सूरी की जिहड़ी कबर है वो कित्थे स्थित है जी? सासाराम दे विच स्थित है। आंसर जिहड़ा इहदा आएगा जी वो क्या आएगा? बी आएगा। की आएगा जी? बी। उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन आ गया, दूजा क्वेश्चन की कहिंदा जी, 1760 तो लैके 1763 तक बंगाल का नवाब कौन सी? तो 1760 तो लैके 1763 तक जिहड़ा बंगाल का नवाब सीगा वो कौन सीगा जी? मीर कासिम। बिल्कुल जी, कौन सीगा? मीर कासिम सीगा। तुहानू पता मीर कासिम नूं जो उस तो पहला मीर जाफर सीगा 1757 दे विच पलासी की लड़ाई तो बाद मीर जाफर नूं बना दिता जांदा है, बट मीर जाफर नूं हटा के फिर 1760 तो लैके 63 तक किहनूं बना दिता जांदा? मीर कासिम नूं। 63 दे विच फिर मीर कासिम नूं हटा दिता जांदा है। तो फिर तुहानूं पता है मीर कासिम नूं जदों हटाया जांदा तो फिर बैटल ऑफ बक्सर होंदी है, तो जिथों अंग्रेज़ों का जिहड़ा कंस्टीट्यूशनल डिवेलपमेंट है वह भी शुरू हो जाती है। तो बैटल ऑफ बक्सर तो बाद कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू हो जाती है। तो उस तो बाद तुहानूं पता 1760 तो लैके 63 तक जिहड़ा नवाब रहिंदा बंगाल का वो कौन रहेगा जी? मीर कासिम रहेगा। तो आंसर की है कि जी तो बी आएगा। थर्ड क्वेश्चन की कहिंदा जी, तीजा क्वेश्चन कहिंदा जी, शिवाजी दी खालिस्तान विच ताजपोशी हुई, तो तीजे का जिहड़ा आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। कित्थे हुई? 1664 दे विच। कदों हुई सीगी? 1664 दे विच। चौथा क्वेश्चन की कहता, स्थानक स्वे सरकार का पिता किसनों कहा जाता है? तो फोर्थ का जिहड़ा आंसर आएगा वह क्या आएगा जी? लॉर्ड रिपन आएगा। ए आंसर इहदा राइट आंसर आएगा जी। उस तो बाद पंजवें क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर आएगा, पंजवा क्वेश्चन की कहता जी, गोइंदवाल विखे गुरु अंगद देव जी नूं मिलने वाले मुगल बादशाह का नाम दसो। तो मुगल बादशाह का जिहड़ा नाम है वो कौन है जी? पंजवें का आंसर जिहड़ा आएगा वो बी आएगा, हिमायूं आएगा। सॉरी फॉर दैट, द हिमायूं आएगा। छेवां क्वेश्चन की कहता जी, छेवां क्वेश्चन कहता जी, 18 हेठ लिखे विचों सर चार्लिस वुड ने किस साल विद्यक ड्राफ्ट तैयार किया गया सीगा? तो सिक्स का जो आंसर आएगा वह की आएगा जी? बी आएगा। की आएगा? बी, 1854 के जिन्हों मैगना कार्टा भी किया जाता एजुकेशन का, मैगना कार्टा। ठीक है जी, तो वो सिक्स का जो राइट आंसर हो गया वो की हो गया जी? बी। उस तो बाद सैवन क्वेश्चन की कहता जी, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन सीगा? तो तुहानू पता जी दरबारी कवि कौन सीगा? बाण भट्ट सीगा, जिन्हें हर चरित्र भी लिखा सीगा। उस तो बाद सैवंथ तो बाद एट्थ क्वेश्चन की कहता है, गुला बख्शी मुगलों के अधीन जमीनी प्रणाली खालिस्तान के लागू की गई सी? तो बी एदा सैवंथ एट्थ का जो राइट आंसर आएगा वह क्या आएगा जी? बी आएगा। कि गई सी? कश्मीर की गई सी। पानीपत की दूजी लड़ाई में अकबर बिरुद्ध कौन लड़िया सीगा? तो कौन लड़िया सीगा जी? हेमू लड़िया सीगा। कौन लड़िया सीगा? हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का आखिरी हिंदू शासक, जिहड़ा कि हरियाणा की रिवाड़ी है उसकी गल करते हैं जी आप। दसवां क्वेश्चन जिहड़ा आ गया अपने कोल, ऋग्वेद भारत कबीले दे उस मुखी का नाम दसो जिसने 10 कबीले के संघ विरुद्ध लड़ाई की सी? तो दसवें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह क्या आएगा दोस्तों? बी। की आएगा जी? बी, सुदास। की आएगा जी? सुदास, बी आएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन की कहता जी, तारे एक फिरोज शाही किसने लिखी सी? तो ग्यारहवें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा, ग्यारहवें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह क्या आएगा जी? सी आएगा। की आएगा? श्री बारानी, बरानी जिहड़ा है इहदा राइट आंसर है। उस तो बाद 12th क्वेश्चन जिहड़ा आ गया, 12वां जिहड़ा क्वेश्चन आ गया, कहिंदा दी दोहरी प्रणाली की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई सी, इसनूं किस द्वारा खत्म किया गया सीगा? कहिंदा द ड्यूल सिस्टम वाज एस्टैबलिश्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। ड्यूल सिस्टम शुरू किया सीगा, डायरकी सिस्टम जिहड़ा सिस्टम किया सीगा, तां उहनूं खत्म करन वाला बंदा कौन सीगा? तां उहनूं खत्म करन वाला सीगा जी वारन हेस्टिंग। ए आंसर इहदा आएगा जी। की आएगा? ए, वारन हेस्टिंग। 13 जिहड़ा आ गया, मोस्ट ऑफ द सील फाउंडेड इन हड़प्पा, तो की पुछ पाया गया सीगा जी हड़प्पा दे विच? हड़प्पा दे विच ज़्यादातर शिला खालिस्तान दीआं पाईआं गईआं। तो किहदीआं पाईआं गईआं जी? स्केरनियां पाईआं गईआं। उस तो बाद 14वां जिहड़ा आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना खालिस्तान विच स्थापित किया गया। तो 14वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा की आएगा जी? ए आएगा। की आएगा? ए, 1828 दे विच किहने स्थापना की सीगी जी? एग्जैक्ट डेट भी जे तुसीं नोट करना चाहुंदे तो कर सकदे हो, 20 अगस्त नूं किया सीगा, 20 अगस्त 1828 दे विच कलकत्ता दे विच। ते सॉरी
राजा राम मोहन राय ने किया सीगा। 15वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा, 15 क्वेश्चन की कहिंदा है जी, खाली सन्याता, सन्याता इस खालिस्तान का हवाला दिंदा है, तो सॉरी सिंधाता जिहड़ा है, सिंधाता जिहड़ा खालिस्तान का हवाला दिंदा है, तो 15वें का जिहड़ा राइट आंसर बनेगा वह की बनेगा जी, ए बनेगा ट्रेजर्स खजानची। 16 की कहिंदा है जी, हेठ लिखा विच किस भाषा में कृष्णा देवी राया ने अमुक्ता मल्यादा लिखा, तो 16वें का जिहड़ा राइट आंसर हैगा जी वह बी है, तेलुगु भाषा के। 17 क्वेश्चन की कहता है जी, 17वां क्वेश्चन की कहता है, कहता सुरकोटड़ा की इंडस घाटी की खोज किसने की सी, तो 17वें का जिहड़ा राइट आंसर है वह की हैगा जी, बी जे पी जोशी ने की सी। 18वां की कहता है जी, कहता किस एक्ट ने चीन नाल व्यापार अते कंपनी दी चार व्यापार विच एक एका अधिकार नू खत्म करके भारत में स्वतंत्र व्यापार की शुरुआत की सी। कहते देखो जिहड़ा ख़त्म किया गया सीगा ट्रेड मोनोपोली, वैसे तो 1813 भी किया गया सीगा, बट चाह अते ट्रेड विद टी अते चाइना का तुहानू पता है ये दो व्यापार रख ले गए सीगे, पहला मोनोपोली सिर्फ तो सिर्फ बाकियां दी खत्म की गई सी, इन्हां दी जिहड़ी मोनोपोली खत्म की गई सी 1833 का जिहड़ा एक्ट आया सीगा उहदे विच टोटली जिहड़ी ट्रेड विद टी एंड टी ट्रेड विद चाइना आ भी मोनोपोली भी जी सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी खत्म कर दी गई सी, तो चार्टर एक्ट 1833 यदा राइट आंसर आएगा जी। कई बच्चे 1813 कन्फ्यूज़ हो सकते, तो 1813 बाकी मोनोपोली खत्म की गई सी, पर चाह कॉफ़ी के नाल सॉरी कम चाह चाइना के नाल जी मोनोपोली है वह 1833 के एक्ट के अधीन खत्म की सी। तो 18वें का आंसर की आएगा जी, 1833 चार्टर एक्ट आएगा, बी आंसर यदा राइट आंसर है। 19वां सिंधु घाटी के सभ्यता का स्थान काली बागान कितने स्थित है, तो 19वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, सी की आएगा, सी राजस्थान के स्थित है। 20वां क्वेश्चन की कहता जी, महाराजा रणजीत सिंह किहड़े मिशन नाल संबंधित सन, तो 20वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, जी डी आएगा, सुकर चक्किया मिसल के नाल की सीगे जी संबंधित सीगा। इस तो बाद 20वें तो बाद नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन आ गया जी 21वां, कहता द आर्टिक होम इन द वेदास का लेखक कौन सीगा, द आर्टिक इन द होम इन द वेदास का यदा लेखक कौन सीगा जी, यदा जिहड़ा राइट आंसर आएगा 21वें का जिहड़ा राइट आंसर हैगा जी वह की है जी, ए बाल गंगाधर तिलक बीजीटी की आएगा जी, बीजीटी आएगा, बाल गंगाधर तिलक आएगा जिहड़ा गर्म दल का बंदा सीगा, लोकमान्य तिलक जिहनूं आपां कह दिंदे हां। 22वां क्वेश्चन की कहिंदा जी, मुद्रा काशा मुद्रा रक्षा किसने लिखा, मुद्र रक्षा किने लिखा सीगा जी, तो 22वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, ए आएगा, की आएगा, ए आएगा, विशाखा दत्ता। उस तो बाद 23वां क्वेश्चन की कहता है जी, हिटलर लीग ऑफ नेशनस तो कदों हटाया गया, तो 23वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, 1933 लीग ऑफ नेशन तुहानू पता है जी 1920 काम करना शुरू कर दिती है लीग ऑफ नेशन, फिर तुहानू पता 1945 तो बाद UNO बनती है, तो हिटलर कदों उस तो हटा दिता गया सीगा, तो 1933 किस गुरु का मूल नाम त्यागमल से, तो 24वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, सी आएगा, की आएगा, सी गुरु तेग बहादुर जी। 25वां क्वेश्चन की सॉरी 24वें का राइट आंसर आ गया जी, सी गुरु तेग बहादुर जी। 25वां क्वेश्चन की कहता जी, 1871 भारत पुरातत्व सर्वेखण के पहले डायरैक्टर जनरल कौन सी, तो 25वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा दोस्तों वह की आएगा जी, सी अलैगजेंडर कैनिंग, अलैगजेंडर कनिंगम सी आंसर यदा की है, राइट आंसर है। वैदिक समय 26वां क्वेश्चन की कहता जी, वैदिक समय दौरान आर्यन कबीलियां खालिस्तान में संगठित किया गया सीगा, तो 26वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा, बी की आएगा जी, बी समिति के दौरान। उस तो बाद 27वां क्वेश्चन की कहता जी, कहता किहड़े शासक के दौरान इबन बतूता भारत आया सीगा, तो 27वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा दोस्तों की आएगा, बी मुहम्मद बिन तुगलक। 28वां क्वेश्चन की कहता जी, कहता चंदू शाह कौन सीगा, तो 28वें का जिहड़ा राइट आंसर है ओके की आएगा जी, ए आएगा, चंदू शाह कौन सीगा जी, गवर्नर ऑफ लाहौर सीगा। उस तो बाद 29वां क्वेश्चन की कहता जी, हेठ लिखे विच किहड़ा बुद्ध दा थम्मा चक पावतना सी, तो 28वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी, ए आएगा, गवर्नर ऑफ लाहौर सीगा। 29वां क्वेश्चन सीगा सॉरी, कहता हेठ लिखा विच किहड़ा बुद्ध दा थम्मा चक पावतना सी, तो 29वें का जिहड़ा राइट आंसर आएगा दोस्तों वह की आएगा, ए की आएगा, ए फस्ट परसन पहला उपदेश। 30वां क्वेश्चन की कहता जी, उस पाश का नाम दसो जो काबुल नू पेशावर नाल जोड़ता सीगा, तो वह पाश केड़ा जी, वह दर्रा केड़ा सीगा, तो 30वें का जिहड़ा राइट आंसर है आएगा की आएगा जी, डी आएगा, की आएगा, खैबर दरिया। 31वां क्वेश्चन की कहता जी, सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु कौन सी, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन सी जी, यदा राइट आंसर की आएगा जी, ए
देशाबंधु चितरंजन दास सी आर दास जिन्हों आप कह दें हाँ देशाबंधु चितरंजन दास सुभाष चंद्र के की जी राजनीतिक गुरु सके। 32वां क्वेश्चन की कहते जी मौर्या राजवंश का पहला शासक कौन सी था 32वें जो राइट आंसर आएगा की आएगा सी की आएगा जी सी आएगा बृहदर्थ बृहदर्थ। उस तो बाद 32वां क्वेश्चन की कहता है सॉरी 33वां कहना अकोशन के किड़े फरमान राणी के फरमान वजों जाना जाता है तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों की है बी माइनर पिलर एडिक्ट माइनर पिलर एडिक्ट। उस तो बाद 34वां क्वेश्चन की कहता जी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मेगा अस्थिनिस किसका यूनानी राजदूत सगा तो 34वें का जो राइट आंसर आएगा की आएगा जी दोस्तों ए की आएगा ए आएगा सोल्यूक्स निकेटर सगा। उस तो बाद 35वां क्वेश्चन की कहता है पहली बोधि सभा किस स्थान पर हुई सी तो 35वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा बी की आएगा बी राजगृह के जी हुई सी। 36वां क्वेश्चन की कहता जी चित्तौड़ के जितने वाला जितने का पहला मुगल शासक कौन सी चित्तौड़ के जितने वाला पहला मुगल शासक कौन सी जी 36वां जो राइट आंसर आएगा वो की आएगा जी सी आएगा अलाउद्दीन खिलजी तो 36वें का जो राइट आंसर है वह की है जी अलाउद्दीन खिलजी सी आंसर आएगा। कहता किस संधि ने 37वां क्वेश्चन की कहता किस संधि ने पहले विश्व युद्ध तो बाद बुलगारिया दिया फ्रंटियर्स नू कटिया तो 37वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा बी की आएगा बी आएगा ट्रीटी ऑफ नेलू नीली की संधि जिन्होंने आप कह दें हाँ तो नीली की संधि के दौरान आ कटिया गया। 38वां क्वेश्चन की कहता जी न्याय सूत्र का लेखक कौन सगा तो 38वें का जो राइट आंसर आएगा की आएगा ए की आएगा ए गौतम सगा। 39वां क्वेश्चन की कहता जी स्वामी विरजानंद खालिस्तान जुड़े हुए सन तो 39वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा डी दयानंद सरस्वती। 40वां क्वेश्चन की कहता जी राजधानी आगरा तो दिल्ली किस मुगल बादशाह ने की आगरा तो दिल्ली जी सी वो किस बादशाह ने जी राजधानी वो की गई सी तो 40वें का जो राइट आंसर आएगा वो की आएगा जी ए शाहजहां ने। 41वां क्वेश्चन की कहता जी किस साल आस्ट्रेलिया ने बोसनिया हर्जेगोविना नू मिलाया सीगा ता 41वें का जो राइट आंसर आएगा की आएगा जी डी आएगा 6 अक्टूबर 1908 जी एग्जैक्ट डेट यदि सी। उस तो बाद 42वां क्वेश्चन की कहते एनी बसंत द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू कॉलेज जो कि बाद विच भारत विच सब तो मशहूर यूनिवर्सिटियां विचों एक बन गया दा की नाँ सीगा ता 42वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों की आएगा सी की आएगा सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जी अजकल न्यूज़ दे विच भी है क्योंकि जो 16 अगस्त 15 अगस्त वाले दिन इतने तुम्हें पता है जी अश्लील गाने के बच्चों द्वारा डांस भी किया गया सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिन्होंने BHU अजक किया जाता है। 43वां क्वेश्चन की कहता जी राजा किस खानदान संबंधित सगा 43वें का राइट आंसर आएगा जी ए की आएगा जी ए चोला। उस तो बाद 44वां क्वेश्चन की कहते द बुक ऑफ द कोरिटर द लेखक कौन सी तो कोरिटर बुक का जो लेखक सगा कौन सगा जी द बुक ऑफ द कोरिटर्स का लेखक जोड़ा सगा 44वें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों की आएगा ए काउंटर बल्डेसर्स कास्टिगलियोन। नैक्सट 45वां क्वेश्चन की कहते जी त्रेन की पहली जंग कितने हुई सी तो त्रैन की पहली लड़ाई जी हुई सी कितने हुई सी 45वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा बी की आएगा बी दरवाड़ी के होया। उस तो बाद 46वां कहता चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिता सगा तो 46वें का जो राइट आंसर आएगा की आएगा ए सुभाष चंद्र बोस की आएगा जी सुभाष चंद्र बोस तुम्हें पता 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलती है महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट का कहता है और डू एंड डाई का कहता है तो उस टाइम सुभाष चंद्र बोस कि नारा देता है चलो दिल्ली चलो है ना। उस तो बाद 47वां क्वेश्चन की कहता है जी कहना शाकंभरी दी चौहान राजवंश का संस्थापक कौन सी तो 47वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों की आएगा ए वासुदेव। 48वां क्वेश्चन की कहता जी हेठ लिखे विचों केड़ा तीजा तीर्थंकर सी तो 48वें का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा डी संभवनाथ। उस तो बाद 49वां क्वेश्चन की कहता इंडियन नैशनल कांग्रेस ने खालिस्तान विखे हुए सेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना टीचा घोषित किया तो 49 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो की आएगा सी की आएगा सी लाहौर सैशन 1929 जो होया उस दौरान तो 26 जनवरी 1930 कहता हर साल असी की है
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1930 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 50 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 1917 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ ਫਿਰ ਲਈ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 51 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਨਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਧਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 52 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਹਰੀਜ਼ਨ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 53 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ 53 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ 54 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 54 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਏ ਆਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ 55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਨੈਕਸਟ 56 ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 56 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲਖਨਊ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਯਾਤਰੀ ਆਗਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 57 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1615 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 1615 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾ ਰਕਾ ਕਿਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 58 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ ਸੋਰੀ ਡੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਆਏਗਾ ਸੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਡੀ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦਾ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਵਿੰਦਾ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 59 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੀ ਬੋਏ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ 61 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 61 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ 62 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੋਧੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 62 ਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਏ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਵਸਤੂ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 63 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਏਗਾ ਚਨਾਬ ਕੀ ਆਏਗਾ ਚਨਾਬ ਚਨਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1942 ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਲਿਟਲ ਬੋਏ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਜੀ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਲੈ USA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਪਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਸੋਰੀ ਜਪਾਨ ਨਹੀਂ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 65 ਦਾ ਗੋਸਤਾਪੇ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 65 ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀ
उस तो बाद 67 नंबर क्वेश्चन की कहता है जी, भारत 1857 जी, भारत बगावत दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन सेगा? तो 1857 की जी क्रांति हुई सी उसका जो गवर्नर जनरल से 1857 की क्रांति का गवर्नर जनरल से हाँ जी 67 का जो राइट आंसर वह क्या आएगा लॉर्ड कैनिंग सेगा, क्योंकि उस टाइम लॉर्ड कैनिंग जोड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेगा। उस तो बाद 68 नंबर जो क्वेश्चन है कश्मीर दी उपल राजवंश का संस्थापक कौन सी? तो 68 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह की आएगा आएगा ए अवंती वर्मन। कौन सेगा? अवंती वर्मन। 69 का जो राइट आंसर आएगा क्या, किसने आदरहा का खिताब अपनाया? तो आदवराह का जो खिताब अपनाया 69 का जो राइट आंसर आएगा वह की आएगा सी, की आएगा जी सी मिहिज फोज की आएगा जी 69 का जो राइट आंसर आएगा की आएगा सी आएगा। उस तो बाद 70 क्वेश्चन देखो की कहता है, खानवा की जी जंग हुई सी, तो खानवा की जी जंग सी खानवा की जंग तो खालिस्तान में लड़ी गई सी, तो खानवा की जंग कदों लड़ी गई? तो 70 का जो राइट आंसर है की आएगा जी बी आएगा 1527 ईस्वी के लड़ी गई सी। 71 नंबर क्वेश्चन की कहता है जी, दानिश कंपनी ने पहला व्यापार केंद्र की स्थापना कितने की? तो दानिश केंद्र ने पहली स्थापना कदों की गई? 71 का जो राइट आंसर आएगा की आएगा जी ट्रेंक्यू बार की गई सी डी आंसर यदा राइट आंसर है जी। 72 की कहता है नेविगेटर प्रिंस हैनरी कहे देश का सी? तो 72 का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह भी की आएगा सी, की आएगा सी पुर्तगाल का सी जी। नैक्सट 73 नंबर क्वेश्चन की कहता है जी, कि ऋग्वेद नदी को रावी कहा जाता है? तो 73 का जो राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी डी आएगा, की आएगा डी पुरुषनी। नैक्सट 74 नंबर क्वेश्चन की कहता है जी, जमीनी रास्ते राही भारत पहुँचने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन सेगा? जमीन के राही बाई लैंड पहुँचने वाला पहला कौन सेगा? तो 74 का जो राइट आंसर है कौन आएगा जी जॉन मिल्टन हॉल। एयर आंसर जोड़ा है वह आएगा जॉन मिल्टन हॉल, तुम्हें पता है जी 1598 ईस्वी के जॉन मिल्टन हॉल है जो आता है। मार्टिन लूथर किहड़े देश का सीगा? तो 75 का जो राइट आंसर आएगा वह की आएगा जी सी, की आएगा सी जर्मनी का सीगा। मार्टिन लूथर कितों का सीगा जी? तो जर्मनी का। तो दोस्तों कई बार बोलन दे विच हो सकता किसी क्वेश्चन दे विच कमी रह गई हो, बाकी जो मैं बोलिया हो सकता बोलन दे विच उन्नी की हो गई होगी, बट जो मैं टिक लगाया बिल्कुल सही लगाया। तो बाकी इसकी फिर भी PDF जी है तुहानू वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगी, बट फिर भी किसी क्वेश्चन के तुहानू डाउट है, क्योंकि वैसे तो देखो गलती इंसान जो गलतियां का पुतला है, बट फिर भी साड़ी आंसर की जी असी 99.99% एक्यूरेट मन के चलते हैं, बट फिर भी किसी क्वेश्चन से तुहानू किंतु या परंतु हो तो तुसी सानू कमेंट बॉक्स के कमेंट करके जरूर दस सकते हो। जेकर नैक्सट वीडियो तुसी देखनी है जिद्द असी पॉलिटी की आंसर की भी डिस्कस की हुई है, तो वो वास्ते साडा यूट्यूब चैनल है जो सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो नाल बैल आइकन दबा दिओ तां जो तुहानू दूजी वीडियो की ओहदा लिंक भी तुहानू इस ते मिल जाएगा। ठीक है जी, इस तो करके इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडे दोस्तों शेयर करो, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो जी, ते जे कोई कमी पेशी रही है तो वो खिमा का जाचकां जी। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।